कहीं क्या ब्लॉग में बने रहिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। चलिए ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखती हूँ, मैं पहले ही बता देती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रुद्रांश की बुआ के घर यानी कि रॉबिन से मिलने जा रहे हैं, बस रेडी हो रहे हैं। एंड अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2:30 बज रहा है, पता ही नहीं चला दिन कब निकल जाता है यार। एक तो काम इतने ज़्यादा रहते हैं ना, काम से फुर्सती नहीं मिल पाती है और टाइम कब निकल जाता है। तो मैं अभी इयररिंग चेंज कर रही थी, चेंज किया मैंने पहने ही नहीं थे, थोड़ा सा कानों में ऐसे ही लग रहा था ना तो मैंने निकाल लिए थे नाइट में, वो अभी मैं पहन रही हूँ। एंड हम लोग जा रहे हैं, एंड अभी हम लोग जा रहे हैं रॉबिन से मिलने के लिए। तो मैं रेडी हो गई हूँ, एंड ये देखो कुर्ती पहनी हुई है और ये एकदम डिफरेंट डिफरेंट लग रहा है क्योंकि कुछ भी मुझे मैचिंग का नहीं मिल रहा था, तो मुझे जो मिला मैंने वो पहन लिया है। तो मैं रेडी हो गई हूँ, रुद्रांश के पापा थोड़ा सा ऊपर गए हुए हैं, एंड ये देखो ये देखो ये देखो इसको भी रेडी कर दिया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और थोड़ा सा मार्केट जाना है क्योंकि हमें थोड़ा सा कुछ सामान भी लेना है, और उसके बाद जाएंगे हम लोग फिर दीदी के घर। चले तुम ही लेट करोगे, मैं तो अभी बैठना है, मुझे पता ही पता है तुम्हें मेकअप शेकअप के लिए। मेकअप हो गया, मैं पूरी रेडी हो गई हूँ, मेकअप नहीं करना। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। हाँ पन्नी नहीं ले गए थे? पन्नी नहीं ले गए थे? अच्छा, तो कुछ कपड़े धोए हुए थे, ऊपर डले हुए थे, तो ये गए थे लेने के लिए। मैंने सोचा तो मैं रेडी हो जाती हूँ, तो रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं हम लोग और आज हम मिलवाएंगे आपको रॉबिन से। हम लोग जा रहे हैं रॉबिन के पास, एंड थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, थोड़ा सा कुछ सामान खरीदना है, तो सबसे पहले वो सामान खरीदेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में एंड तक, और आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा तो ब्लॉग में जुड़े रहिए एंड तक। चलते हैं, चले हो गया हम। एंड आज है सैटरडे, तो रुद्रांश की छुट्टी थी तो सोचा होके आते हैं, और वैसे भी रुद्रांश के मंडे से ना, रुद्रांश के मंडे से स्कूल का टाइमिंग चेंज हो गया है, तो 9 बजे से 12:30 बजे तक उसका स्कूल लगेगा। अच्छा, तो रॉबिन तो हमसे छोटा है ना, तो रुद्रांश के स्कूल का टाइमिंग भी चेंज हो गया है, तो 9 बजे से 12:30 बजे तक उसका स्कूल रहेगा। तो हमने सोचा चलिए अभी मिलके आते हैं, छुट्टी भी है आज, सैटरडे है, इनका भी छुट्टी है, रुद्रांश का भी छुट्टी है। डोर क्लोज करके आती हूँ। हमें थोड़ी सी खरीदारी करनी थी, वो भी कर ली है। एंड हम खरीदारी क्या मतलब, रॉबिन के लिए हमें कपड़े लेने थे, और टाइम भी पता है कितना हो गया, 4:30 बज गए हैं, थोड़े 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 में ना टाइम पता ही नहीं चला कहाँ निकल गया। तो अब चलते हैं। ओके, ट्रैफिक भी हो गया होगा अच्छा खासा, एंड अब तो ट्रैफिक का टाइम भी हो गया है क्योंकि 4-5 बजे से ट्रैफिक लगना स्टार्ट हो जाता है, 7 के 8 बजे तक। हम लोगों को रास्ता तो हमारा 1 घंटे का है, बट इतना ट्रैफिक हो गया ना कि हम 1 घंटे ट्रैफिक में ही निकल जाना है। और टाइमिंग है ना 4 बजे के बाद, 4 से निकले तो टाइम पर थे, बट थोड़ा बहुत इधर उधर में ही हो गया। 3 बजे निकले थे, 2:30 बजे निकले थे, तो दो बज जाते निकलते हम लोग, 2:30 बजे निकले थे, बट थोड़ा सा मार्केट चले गए तो उसकी वजह से लेट हो गए। और उसके बाद अभी देखो यहाँ पे इतना तगड़ा वाला ट्रैफिक है ना कि हमको 1 घंटे इस ट्रैफिक में ही फंसे रहना है। ये देखो भाई यहाँ पे लगा हुआ तगड़ा वाला ट्रैफिक, इस साइड जा रही है, बीच में जा रही है, इस साइड जा रही है, सब जगह मतलब मस्त वाला ट्रैफिक लगा हुआ है। बाइक वालों का सही, पतली गली लेके निकल लेते हाँ। कितना तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है, दूर दूर तक गाड़ियाँ दिख रही है। ये देखो रॉबिन के लिए गाड़ी लेके आया है, तो कैसे पकड़े हुए हैं, इतना जल्दी होता है। अरे यार ट्रेन ट्रेन बेल बजाओ ना। देखो मामू भांजे का प्यार, ये देखो देख कितनी खुशी हो गई रॉबिन को देख। हाँ ये यहाँ फोन पे बातें हो रही हैं, किससे बात कर रहे हो? रॉबिन खुशी हो गई है, भैया आ गया तो बुआ बर्गर खा लो। बर्गर लाए हूं मैं, तो पाव भाजी बनाने का, बुआ से हेल्दी बर्गर, मैं तो पाव भाजी बनाने का सोच रही थी। क्या कर रहे हो, नीचे से लटक जाएगा रॉबिन। रॉबिन
ऐसे यूज होगी ये गाड़ी है। आप ले लो कोई सा भी, देखो गल गए ना, मैं बोल रही थी ना, मैं प्लेट लेके, अरे कोई सा भी ले लूंगी, पता नहीं हरा भरा कबाब वाला है। टीवी देखने आए हो, ये देखो यहाँ आके भी टीवी देख रहे हैं। गर्मा गर्म चाय आ गई, अभी बर्गर खाया है, उसके बाद ये देखो चाय आ गई अभी, और इसके साथ समोसे भी हैं, गर्मा गर्म समोसे। जहाँ एक्टिविटी होगी पापा वहीं से। रॉबिन, अब रॉबिन को लग रहा है सब मुझे देख रहे हैं। हाँ, वो इधर उधर तभी देख रहा है। एक्टिंग कर रहा है। ये किसकी एक्टिंग है? ये राजेश करना की एक्टिंग है। अभी बन रहे हमारे आलू पराठे डिनर में, क्योंकि पेट भर गया है, बर्गर खा लिया था, समोसे खा लिए हैं, अभी स्टफिंग अच्छी करते हैं ना, तो एक-एक खा रहे हैं। अभी आलू पराठे बना रहे हैं हम डिनर में, आलू पराठे खाएंगे आज। देखो इतने छोटे से होने चलेंगे, बट मुझे तो आलू पराठे बड़े बड़े से होने, ताकि छोटे ही ठीक रहते, स्टफिंग अच्छी करते ना। बैग आगे हो गया ना, ये लो आपका चट्टा, ये गीला। अच्छा, इसने बॉटल रखी थी ऐसे ही। ये रॉबिन के लिए कपड़े, अरे यार तुम कपड़े कपड़े बन जाएगा ना अभी, तो अभी तो पैंट तो बड़ा है, पैंट नहीं बड़ा है, थोड़ा सा लाया थे जानबूझ के, नहीं बन जाएगा अभी, ट्राई करके देखा ना, बन तो जाना चाहिए। आई थिंक बाय रॉबिन, तो हम लोग निकल आए हैं दीदी के घर से, एंड अभी कितना 11 बजे निकले हुए हैं, एक घंटा लग जाएगा हमको, पहुंचते हैं घर। दिल्ली में दिन में निकलो या रात में निकलो, ये देखो रात के 11:30 बजे भी ना ट्रैफिक लगा हुआ है। चेकिंग वगैरह हो रही होगी, रुद्रांश देखो पीछे सो गया है, एंड यहाँ पे अभी हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं रात के 11:30 बजे भी। मकडन हो गया, ये दादी पर कैसे बनता है, उसको मिटा के फिर से अच्छे से बनाओ। नहीं दादू ने ऐसे ही सिखाया, दादू ने ऐसे नहीं सिखाया है, गंदा बनाया है दादू। ये स्टैंडिंग लाइन में बनती है, ये नीचे वाली लाइन, एंड धाधनुष को करेक्ट करो, धाधनुष भी गलत है। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, एंड सुबह का टाइम हो रहा है, रुद्रांश को मैंने बिठा दिया है, थोड़ा सा उसका होमवर्क था ना, तो मैंने कहा वो कर लेगा, एंड फिर आज संडे भी है तो सारा दिन तो काम चलते ही रहते हैं, बाकी उसको भी देखना ज़रूरी है। तो मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, एंड अभी देखो मैंने कुछ भी नहीं किया है, नहाया भी नहीं है, और हम लोग ना रात में काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि वहाँ से आए हुए थे, तो हम लोग 11 बजे तो वहाँ से निकले हुए थे, तो 12:30 बज गए थे हमको घर आते आते, उसके बाद सुबह भी थोड़ा सा लेट ही उठे। दीदी ने बोला भी था कि रुक जाओ, बट वो ये ना कि आज काम है थोड़े से, और इसीलिए नहीं रुके, और रुद्रांश की कल बुक्स वगैरह भी हम लोगों को स्कूल में जमा करनी है, तो उसका थोड़ा बहुत होमवर्क पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो वो भी करवाना है, और भी एक दो काम थे, इसलिए हम लोग रुके नहीं थे। एंड कल हमारे घर में कोई आने वाला भी है, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पता चलेगा। एंड हम लोगों को थोड़ा सा मार्केट भी जाना है, जो दीदी के लिए कुछ कपड़े लेके गए थे, कपड़े क्या एक कुर्ती लेके गए हुए थे, तो दीदी को ना साइज में आया नहीं है, एक्सचेंज करना है, और रुद्रांश अपने काम में लगा हुआ था, मैं भी अभी मॉर्निंग वाले अपने काम में लग जाती हूँ, एंड फिर उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बस इतना ही था, और आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे कल अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंड खुश रहिए, ख्याल रखिए अपने एंड अपने परिवार का, तब तक के लिए बाय।